लाहौर में एक शख्स है जो इमाम मेहदी होने का दावा कर रहा है और उसका एक फॉलोअर भी है जो वीडियोस बनाया जा रहा है और कह रहे हैं जी बड़े सच्चे ख्वाब आ रहे हैं। ऐसे ही मुझे कई सालों से छोटे मोटे वीडियोस आ रहे थे, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वीडियोस आना शुरू हो गए, उनके लोगों ने शेयर किया कि इस पर बात करें आप। तो देखें सबसे पहली बात मैं चाहूँगा कि उनकी वो चेहरा भी दिखाते ताकि लोगों को पता हो ये कौन अपने आप को इमाम मेहदी कह रहे हैं। द आइडिया इसके इमाम मेहदी के बारे में ना सर कुछ बातें समझ जाएँ। इमाम मेहदी ऐसा नहीं होगा कि वो पाकिस्तान से बरामद होगा और लाहौर के शहर में जलसा करेगा, ठीक है। इमाम मेहदी के बारे में जो सही अहादीस हैं उसमें बहुत क्लियरली बताया गया कि इमाम मेहदी कौन है। सबसे पहली बात यह है कि इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद कासिम नहीं होगा, ठीक है ना। इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद कासिम नहीं है, इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद इबन अब्दुल्ला होगा, क्योंकि सही हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका नाम मेरे नाम जैसा है, यानी चाहे वो उनका नाम और उनकी वल्दियत भी उसी तरह से। दूसरी बात यह कि इमाम मेहदी जो है वो सबसे पहले, यानी वैसे तो वो मक्का के रिहायशी होंगे लेकिन मदीना में उस टाइम पे रिहायश पजीर होंगे, फिर किसी वजह से वो जब मक्का में आएंगे उस टाइम पर एक आप कह लें कि वहाँ पे एक बादशाह होगा उस इलाके में जिसके तीन बेटे होंगे, उनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी क्योंकि बादशाह का इंतकाल होगा, तीन बेटे आपस में लड़ पड़े, वही के पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया। अच्छा, उस टर्मोइल में चूंकि ये इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला होगा, ये एक नेक और राइचियस इंसान होंगे, ये वहाँ पे मौजूद होंगे, काबा में काबा का तवाफ कर रहे होंगे और वहाँ पे जब ये बात होगी तो लोग खुद इनके हाथ पर बैत करेंगे और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला इनको एक रात में तैयार कर देगा। जब लोग इनको कहेंगे कि आप हमारे लीडर बन जाएं, आप हमारे हाकिम बन जाएं, ये इनकार कर देंगे। After resisting, true. यानी ही वो ये इनकार कर देंगे, यानी कि इमाम मेहदी होने की निशानी ये है कि आप खुद नहीं, लोग आपको अपॉइंट करते हैं और आप इनकार कर देते हैं। और ये नहीं कहा गया कि लोगों ने ख्वाब में आपको देखा होगा या लोगों ने फलाह देखा होगा, वो लोग खुद से कहेंगे कि ये एक बड़ा नेक शख्स है, एक बड़ा साले शख्स है, अल्लाह ताला उनको लीडरशिप के लिए एक रात में तैयार कर देंगे और काबा के अंदर मकामे इब्राहिम की जगह पर लोग उनके हाथ पर बैत होंगे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे नहीं, ठीक है ना, काबा में यानी मकामे इब्राहिम पे लोग बैत करेंगे। और जैसे ये मामला होगा तो जाहिर बात है वो जो बादशाह के बेटे थे वो अलर्ट हो गए कि जी हमारी तो पावर जा रही है, हमारा तो वो, क्योंकि ये अब उम्मत मुस्लिमा का खलीफा आ गया, ठीक है। तो क्या होगा कि एक लश्कर रवाना होगा इनको रोकने के लिए, इनको अटैक करने के लिए, इन्हें गिरफ्तार करने के लिए, जो भी है। वो लश्कर जब रवाना होगा तो बिल्कुल मक्का से करीब जब वो दाखिल हो रहे होंगे तो ज़मीन उस लश्कर को निकल जाएगी, ये भी एक निशानी होगी कि ज़मीन उसको निकल जाएगी। और जब ज़मीन निकल जाएगी तो उसमें से ज़्यादातर लोग मर जाएंगे, इक्का दुक्का कोई बचा होगा। तो उसके बारे में जब पूछा गया, सहाबा ने सवाल किया तो कि जी या रसूलल्लाह ये जो लोग वहाँ फोत हुए होंगे, था तो ये भी लश्कर मुसलमानों का ही, तो इनका फैसला क्या होगा? तो नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इनका मामला इनकी नियतों पर होगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई बड़ा अच्छा मुसलमान हो, वो अपने अमीर की बात मानते हुए निकल गया, उसको भी ना पता हो कि भाई ये इमाम मेहदी सच्चे हैं नहीं है, बहरहाल वो निकल गया। अगर उसकी यही इंटेंशन थी तो अल्लाह उसकी इंटेंशन पर उसको देखेगा। अगर वो शरपसंद बंदा था जिसको पता था कि नहीं है तो ये इमाम मेहदी हैं लेकिन बहरहाल मैंने फिर भी इनके खिलाफ कैंपेन करनी है, तो उसका फिर मामला डिफरेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें, फिर इसके बाद ये कहना कि उनका माथा जो है वो ज़रा प्रोमिनेंट होगा, नाक उनका प्रोमिनेंट होगा, अच्छा फिर ये सारी चीज़ें जो है ना हमें जब पता चलती हैं तो इमाम मेहदी के बारे में कोई शक की बात नहीं रह जाती। और ये जो सारा कुछ मामला हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स लिसनर्स जो हैं वो अपना इस्लामिक जो एस्कटोलॉजी है या जो साइंस ऑफ द एंड ऑफ टाइम्स हैं उसको बाकायदा तौर पर अहादीस की रोशनी से ज़रूर देखें, फिर आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वरना क्या होगा, क्योंकि हमें इल्म नहीं होता दीन का, हमें पता होता नहीं है, तो फिर हम इसी तरह का कोई ना कोई इम्पोस्टर आ जाता है, कोई ना कोई धोखेबाज आ जाता है और फिर हम उसके धोखे के शिकार हो जाते हैं। और ये सॉरी बात कर कितनी माशाल्लाह स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जी, सही है, नहीं इतनी ज़्यादा वो चीज़ों को बताया गया है कि जिसमें फिर डाउट की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल नहीं रह जाती। अच्छा जहाँ भाई, अभी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जैसा गे इमाम आ गया और ये वो, ये भी तो इम्पोस्टर्स है ना जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं लेकिन असल में तो ज़ाहिर सी बात मुसलमान नहीं है। इनसे ज़्यादा ख़तरनाक कैटेगरी एक और है और वो है ऐसे लोगों की, और वो इनका तरीका वारदात क्या होता है मैं एक छोटी सी मिसाल के साथ समझा देता हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो थे ना, उनकी यानी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, सही है, वो भी एक इम्पोस्टर थे, ख़ुद को उन्होंने नबी कह दिया, सही है। तो उनका तरीका वारदात क्या था? उनका तरीका वारदात ये था कि एक टाइम तक वो बड़े जाने माने और बड़े रिस्पेक्टेबल दीनी आलम थे और उन्होंने बड़े बड़े महाज़ों पर इस्लाम का दिफा किया, स्पेशली वेस्टर्न जो आपके ऊपर कह लीजिए कि एक तरह से नज़रियाती हमले हो रहे थे,
उसका उन्होंने बड़ा अच्छा दिफा किया, उन्होंने तहरीरें लिखी और पूरे इंडिया पाकिस्तान ये जो रीजन था ये बड़े सगीर पाक व हिंद इसके अंदर वो जलसे करते थे और बड़े बड़े उनके दरूस होते थे और बड़े अच्छे मुसलमान बड़े आलम फाजिल मुसलमान उनको बड़ी मोहब्बत करते थे। सही है, लेकिन क्या हुआ ये सारा एक ऑडियंस क्रिएट करके अल्लाह रसूल का नाम लेके कुरान का नाम लेके इस्लाम का दिफा करके सारा कुछ करके बहुत सारे लोग जब वही मुरीदी कल्चर के तहत अंधे हो गए तो फिर उन्होंने जब नबूवत का दावा किया तो वो भी उनके साथ गुमराह हो गए, उनके मुरीदैन भी उनके साथ गुमराह हो गए और वो आज तक बड़ी तादाद में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सही है, ये लोग इनका भी तरीके वादात वैसा ही है, मैग्नीट्यूड शायद इनका वैसा या इम्पैक्ट इनका वैसा ना हो, लेकिन देखें ये भी ना ख्वाब ये मैं इनको कुछ अर्से पहले से फॉलो कर रहा हूँ, स्पेशली इनके साथ एक जो इनके जो मेन आप कह लें जो इनके फॉलोअर हैं अवैस नामी पिंडी इस्लामाबाद में ही होते हैं, अगर आप अपेरेंटली उनसे मिले तो आपको कोई ऐसा रेड फ्लैग नज़र नहीं आएगा। सही है, आपको बल्कि शायद ये नज़र आए, यानी एक रिलीजियसली इंक्लाइंड बंदे को शायद ये नज़र आए कि यार इस शख्स के अंदर दीनी हमीयत और दीनी गैरत जिसे हम कहते हैं वो शायद कूट कूट के भरी हुई है और उनका जो नॉलेज है वो भी एक एवरेज इंसान से सॉरी एवरेज मुसलमान से थोड़ा ज़्यादा है। सही है, ज़रा डिबेट भी अच्छी कर लेते हैं शायद, लेकिन तरीका वारदात वही है। सही है, और ये इस तरह मासूम मुसलमानों को इस तरह की बातें सुना सुना के, और देखिए ये कोई कहता था कि मुझे सच्चा ख्वाब आता है, ठीक है सच्चा ख्वाब उसको आता होगा लेकिन एक और बात का भी इम्कान है जिसको आप नहीं दिखा सकते, क्या ये जादूगर है, सच्ची खबर है तो वो भी दे देते हैं, जादूगर भी दे देते हैं, उनके भी मुक्कल होते हैं जो भी उनका अपना तरीकाकार होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर सच्चा ख्वाब या हर सच्ची खबर जो है वो हो। और दूसरा ये कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इनकी वीडियोज़ देखी ज़िया भाई, और एक तवी क्योंकि उसकी एक वजह है जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि इनके जो फॉलोअर्स थे वो 90-80% बातें अच्छी करते हैं। सही है, जिसे एक आम मुसलमान धोखा खाता है। सही है, ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारा। तो बहरहाल जब मैंने इनकी वीडियोस देखी और मैंने इनके ख्वाब सुने, अब वो बड़ी जेनेरिक सी बातें करते हैं और बड़ी ब्रॉड बातें करते हैं, मतलब अभी अगर उनसे पूछें लेट से फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान के फ्यूचर के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो ऐसी बातें बताते हैं जो कि कोई भी बंदा जो रोज़ अखबार पढ़ता है वो प्रेडिक्ट कर सकता है। सही है, इस तरह की बात, मतलब अभी वो इलेक्शन के बारे में आप क्या देख रहे हैं, तो वो उसमें ना अपना एक एनालिसिस और बड़ा सेफ एनालिसिस करते हैं वो। सही है, एनालिसिस भी ऐसा कि उसमें ना दो तीन ऑप्शंस वो सामने रख देते हैं। ऐसे ही करते हैं, ये मोडस ऑपरेंडी रहा है जो जितने भी झूठे नबी तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उनमें से एक हो जाता है। माइंड रीडिंग एक बहुत बड़ी स्किल है, प्रॉपरली अब लोग सीखते हैं इसे, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। और मजे की बात पता क्या है, मजे की बात ये है कि क्या इमाम मेहदी ने आके ये पेशन को यहाँ देनी है, उन्होंने तो जाके लड़ना है, जाके लश्कर बनाना है, तैयार करना है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और लिहाजा जी अपने ईमान की हिफाजत करें खुदारा, और देखें जैसा मैंने पहले बात की जी भाई ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना बेचारे वो उनका जो ख्वाहिश होती है या उनके अंदर जो जज्बा होता है ना वो दीन से जुड़ने का जज्बा होता है, लेकिन वो बेचारे में बड़े अनफॉर्चुनेट होते हैं कि ऐसे इम्पोस्टर्स के हत्ते चढ़ जाते हैं बेचारे और फिर बड़ा वो ख़राब होते हैं। तो लिहाजा इसका आसान तरीका क्या है, आसान तरीका वही जो आप कहते आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के शुरू से, खुदारा कुरान और सुन्नत का मुताला शुरू खुद करो। ये जो पंक्चर वाली चीज़ है ना ज़ियाबी, एक तो बेसिक्स, गेट योर बेसिक्स वेरी राइट, ये बेसिक चीज़ें ना कि क्यों करना है और मकासद शरीयत आपके दिमाग में हो आप बड़े क्लियरली फैसले कर सकते हैं, क्योंकि अब हक और बातिल ग्रे शेड्स में नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट कम्प्लीटली है। ये टॉपिक भी जो है ना क्यामत और इसकी निशानी, मेजर साइंस, माइनर साइंस, ये वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव है, लोगों को ना बड़ा अट्रैक्ट करता है कि क्या होने वाला है, हमें फ्यूचर का पता चले, यू नो, बड़ा सनसनी खेज एक वो टॉपिक होता है। तो कोई भी बंदा जो मशहूर होना चाहे ना वैसे ये लाइन पकड़ सकता है कि लोगों को इस बारे में कुछ बताने लग जाए। और इसमें ना पंक्चर ऑफ द वीक का क्योंकि सेशन है ना, सेक्शन चल रहा है हमारा ज़ियाबी, तो इसके अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और हमें दीन से सही आदि से पता लगती है, सूरह कहफ उसके अंदर जो चार स्टोरीज है ना, फर्स्ट वाली स्टोरी नौजवानों की किस तरह उनके फेथ का वो ट्रायल था, फिर सेकंड में किस तरह आपको एक वो ट्रायल है बागों वाली स्टोरी, फिर थर्ड में हज़रत मूसा वाली स्टोरी। आप जब इन स्टोरीज़ को पढ़ते हैं ना, क्यों आपको सूरह कहफ कहा गया कि आपने पढ़नी है, क्योंकि ये एंड ऑफ टाइम में दज्जाल से भी फर्स्ट एंड आयाज इसके ऊपर अहदीस मौजूद हैं, याद हैं, तो इनसे व्हेन यू गेट इनसाइट्स ना और रिवाइज दीज थिंग्स, तो वही
ट्रायल ऑफ पावर, ट्रायल ऑफ वेल्थ, ट्रायल ऑफ नॉलेज, ट्रायल ऑफ फेथ, यही चीजें आनी हैं इन डिफरेंट शेप्स, वेज, फॉर्म्स, काइंड्स. आपने इन चीजों को सिर्फ इन कैटेगरीज, ये चार कैटेगरीज हैं, अल्लाह ताला ने क्लियरली बताया हुआ कुरान में, इन चार कैटेगरीज के ऊपर ही टेस्ट आएंगे. आप ये देख लें सारे, कहीं फेथ का टेस्ट है, कहीं नॉलेज का टेस्ट है, कहीं पावर का टेस्ट है, कहीं आपके वेल्थ का टेस्ट है. तो इन चीजों को आप देखें, इन्हें पढ़ें और खुद पढ़ें और समझें. और अपने इतने, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन रीडिंग लाइक सूरह काहफ फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, बट every single time I read, I stuck on a point which is new to me. तो आप और ये कुरान की खूबसूरती, और ये क़यामत तक रहेगा, ये क़यामत तक जारी. और इसमें जब ये बस दो, इसमें ना दो दुआएं हैं बड़ी सिंपल सी जो मैं भी अपने मामूल में शामिल रखता हूँ. एक तो अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ व अरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन व अरज़ुक़ना इज्तिनाबा. अल्लाह मुझे हक़ को हक़ दिखा और उसकी इत्तबा करने की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और उसे इज्तनाब करने की तौफीक दे. और दूसरी है रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब. सूरह आले इमरान की शुरू की आयात की ये दुआ है, और ये दोनों बड़ी ज़बरदस्त दुआएँ हैं. और ये जो दूसरी दुआ है इसमें ये कि ईमान देने के बाद हमें गुमराह ना करना, सही है, और दूसरा ये कि हमें हक को हक दिखाना. तो ये दुआएं आप अपने मामूल में शामिल करें तो इंशाल्लाह आप ऐसे फितनों से भी बचे रहेंगे. और जो सूरह कैफ की इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कर दी, वो तो बेसिक यानी टूल है, सबसे बड़ा टूल है फितनों से बचने का. सही बात है, उसके ऊपर आप ये पूरा, सबसे बड़ा फितना है दज्जाल, और उससे बचने का भी जो टूल बताया गया ये बताया गया. ऐसा भी होता है कि बंदा इग्नोरेंस में ऐसा कर रहा है, यू नो, देखें शैतान का जो प्लॉट है किसी भी बंदे के बारे में वो मुख्तलिफ तरह का होता है. हो सकता है आपके साथ वो मुख्तलिफ तरीके से करता है, मेरे तरह से मुख्तलिफ तरह से करता है. वो बंदे की वीकनेस की बुनियाद पे होता है. तो ऐसा होता है कि शैतान कुछ लोगों को ख्वाबों में आके सर्टन तरीके से ज़ाहिर करता है अपने आप को किसी खास पर्सनैलिटी के तौर पर. फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से, और जैसे कि ये इनकी बातें मैंने भी चंद जो सुनी हैं कि अल्लाह ताला डायरेक्ट जो है वो कलाम कर रहे हैं, तो इट कैन बी वन ऑफ द ट्रैप्स ऑफ शैतान एंड द पर्सन कैन बी इग्नोरेंट एट द सेम टाइम. तो ये चीज़ लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है. ये आपकी बात अच्छी है, क्योंकि देखें इसमें हम उसकी नीयत पर नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ कि बंदा इमाम मेहदी नहीं है, कन्फर्म बात है, ठीक है. तो या दो आप ऑप्शन है, या तो वो जानबूझ के कर रहा है, उसको पता है सारी स्टोरी, उसको पता है और वो जानबूझ के अपने आप को इमाम मेहदी कह रहा है, या वो एक्चुअली डिलूजनल है, यानी या वो वाकई में डिलूजनल है, ही इज पार्ट ऑफ सम साइकोलॉजिकल इशू उसको है, या कोई रूहानी मसला है, या बहरहाल वो डिलूजनल है, जो भी उसकी वजह, चाहे साइकोलॉजिकल है या स्पिरिचुअल है, इधर वे या तो वो प्रॉपर डिलूजनल है, उसको पता ही नहीं है कि उसको नहीं पता, ठीक है, या फिर वो बाकायदा तौर पर एक एजेंडा के तहत, जिस तरह दानियाल भाई ने कहा ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने आप को पहले एक पोजीशन पे लेके आते हैं, उसके बाद एकदम से पांसा पलट लेते हैं और एक मूवमेंट शुरू कर देते हैं, विच कैन बी ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक. तो इधर वे जो भी उनका बैकग्राउंड है, जिस तरह आपने कहा, तो हमें ये होना चाहिए कि अगर हमारी, देखो लोग तो कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, हमारी नॉलेज अप टू डेट होनी चाहिए ताकि हम बेवकूफ़ ना बने. बिल्कुल.